था हमारा मशीनों का, आज है हमारा मशीनों पे प्रैक्टिस करने का कि कैसे हमने रनिंग करनी है, कैसे हमने ये चलानी है, ठीक है। आज है पहले हम स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन यानी कि जो सीधी सिलाई हम लगाते हैं डिजाइनिंग के लिए, जो हम सिलाई लगाते हैं स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हम पिलो कवर, कुशन कवर या सूट फ्रॉको पे भी ये स्ट्रेट लाइन हम डिजाइनिंग के हिसाब से लगा सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। आगे है स्केल, स्केल जो चार बिंदुओं को जोड़कर, जो कि चार बिंदुओं को जोड़कर हम जो लाइन लगाते हैं स्केल बनाते हैं, तो वो स्केल बन जाता है, स्केल बनता है, ये हमारा है स्केल। आगे है जिग जैग लाइन भी डिजाइनिंग के लिए ही लगाते हैं, पोंचो पे लगाते हैं या कमीज पे लगाते हैं, पिलो कवर पे लगाते हैं, जिग जैग लाइन होती है, ये है जिग जैग लाइन, ठीक है। आगे है सर्कल, सर्कल क्या होती है, सर्कल जो हम गोल दायरा वगैरह लगाते हैं वो होती है सर्कल, सर्कल ये होती है सर्कल लाइन, ठीक है। आगे है सेफिरिन होती है, ये भी डिजाइन में ही यूज होती है, इससे हमने मशीनें भी सही सेट हो जाती हैं, सिलाई लगाते हैं जो सही काम करती हैं वो। ये हैं हमारी लाइंस हैं, जो लाइंस हमें लगानी, सबसे पहले हम जो हम काम करते हैं तो लाइंस ही हमने लगानी जरूरी होती है, क्यों होती है, इससे हमारा एक तो हाथ में फिनिशिंग आती है और काम भी अच्छा बनता है और डिजाइनिंग भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग बढ़ जाते हैं और ये पिलो कवर कुशन वगैरह के ऊपर भी सही लगी हुई लाइंस अच्छी लगती हैं। ये तो है हमारी लाइंस। अभी है चैप्टर हमारा सीम्स का, सीम्स क्या, सीम होती हैं जो सिलाई हम लगाते हैं, सिलाइयाँ होती हैं कई प्रकार की सिलाइयाँ भी, जैसे कि प्लेन सिलाई है, प्लेन सिलाई जो हम दो टुकड़ों को जोड़कर सिलाई लगाते हैं, स्ट्रेट सीम, ये है स्ट्रेट सीम यानी कि सीधी सिलाई ये होती है सीधी सिलाई जो दो टुकड़ों को जोड़कर हम जो सिलाई लगाते हैं वो होती है सीधी सिलाई। कॉर्डेड बोलते हैं जिसके अंदर हम डोरी डालकर जो सिलाई लगाते हैं वो कर्ड सीम होती है, जो कर्ड सीम डोरी डालकर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग उस सिलाई को हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये इसके अंदर सिलाई ये डोरी डाल दी, ये है कर्ड सीम ये होती है। आगे है सेल्फ इंक्लोज्ड यानी कि यानी कि जो हम सेल्फ इंक्लोज, जो हम खुद तैयार करते हैं उसको सीते हैं सेल्फ इंक्लोज, समय जो हम चीजें तैयार करते हैं, जो हम यानी कि दो टुकड़ों को जोड़कर उस चीज को हम फिनिशिंग देने के लिए जो हम गुम सिलाई लगाते हैं वो सेल्फ इंक्लोज सीम होती है, सेल्फ इंक्लोज सीम जो हम खुद करते हैं। ये है सेल्फ इंक्लोज यानी कि हमारी साइड की ये जो सिलाई है धागे निकलने से हम उस चीज को, जो हमारे धागे निकलते हैं उसको हम कवर करने के लिए ये सेल्फ इंक्लोज सिलाई का काम करते हैं। टॉप होता है, टॉप्स की दो सिलाइयां को जोड़कर, जो दो सिलाइयां जोड़कर दो टुकड़े जुड़ते हैं तो उनको टॉप जोड़कर जो उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच की जो सिलाई लगाते हैं वो होती है टॉप स्टिच सिलाई। टॉप होती है टॉप सीम होती है दो टुकड़ों को जोड़कर जो सिलाई लगती है वो टॉप स्टिच सीम होती है।
ये है टॉप सीम। डेकोरेटिव सीम जो हम डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट के लिए ये है डेकोरेट सीम। ये डेकोरेट सीम सर, ठीक है। आगे है एड्स। एड्स के लिए यानी कि जो भी हम फ्रीजर वगैरह वगैरह तैयार करते हैं उसके लिए जो भी हम डिजाइन वगैरह डालते हैं उसमें यूज होती है। तो बस फिर देखो हमारी हमने डिजाइन के उस पे फैशन के तौर पर भी डार्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं हम। डार्ट्स क्यों डालते हैं? कई बार तो हमने कमीज की फिटिंग के लिए डालते हैं और डिजाइनिंग के लिए भी डालते हैं। डार्ट्स अलग अलग तरह की होती हैं। प्लेन डार्ट्स होती है तो प्लेन डार्ट्स यानी कि वो एक तरफ से नुकीली यानी कि प्लेन डार्ट्स को ऑफ डार्ट्स भी कहते हैं। ऑफ डार्ट्स ये है हमारी हाफ डार्ट्स, ये है हाफ डार्ट्स। हाफ डार्ट्स ये पैंट में कमीजों में ब्लाउज में पैंट की बैक में डालते हैं प्लेन डार्ट्स को, और दोनों तरफ से नुकीली डार्ट्स वो होती है, ये एक होती है दोनों तरफ से नुकीली डार्ट्स, ये होती है फुल डार्ट्स। फुल डार्ट्स, फुल डार्ट्स होती है जो हम ब्लाउजों में जेंट्स शर्ट जेंट्स लेडीज शर्ट में डालते हैं। ये 6 इंच की लंबी होती है ये डार्ट्स, 6 इंच की लंबी और ये बीच में से आधा इंच की इसके अंदर एक आधा इंच इस साइड से आधा इंच इस साइड से क्यों लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा? क्योंकि यहाँ से हमारी जो सिलाई लगती है ये अंदर की साइड कपड़ा अटैच हो जाता है, इसलिए इसको दो नुकीली तरफ से दोनों तरफ से ये नुकीली डार्ट्स होती है। ये हम शर्ट में फ्रॉक में ब्लाउज में इस डार्ट्स को हम यूज करते हैं। अभी है फ्रेंच डार्ट्स। फ्रेंच डार्ट्स होती है फ्रॉक वगैरह में डालते हैं। फ्रेंच डार्ट्स जो फ्रॉक वगैरह में डलती है ये दोनों साइड से सीधी होती है और बीच में से एक साइड से जो बीच का सेंटर है बीच का पॉइंट होता है वो आधा इंच अंदर की साइड इस डार्ट्स को हम लेते हैं। ये है फ्रेंच डार्ट्स। ये डार्ट्स हम डिजाइन के तौर भी डाल सकते हैं और जो हम कमीजों की फिटिंग वगैरह देते हैं उनके लिए भी इन डार्ट्सों को यूज करते हैं, ठीक है। आगे है हमारी प्लीट्स। प्लीट्स प्लीट्स किस में यूज होती हैं? प्लीट्स प्लीट्स जो हम डालते हैं फ्रॉकों में है स्कर्ट में है सलवारों में है ये प्लीट्स हम इन प्लीट्सों को डालते हैं। ये प्लीट्स कई तरह की होती हैं। प्लीट्स कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। प्लेन प्लेन प्लीट्स, प्लेन प्लीट्स किस में यूज होती है? प्लेन प्लीट्स यानी कि ये चाकू की धार जैसी होती हैं प्लेन प्लीट्स। इसमें 1.5 इंच का कपड़ा फालतू लिया जाता है प्लेन प्लीट्स में। ये है प्लेन प्लीट्स, ठीक है। क्यों लेते हैं? क्योंकि 1.5 इंच का कपड़ा इसलिए फालतू लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा जो कपड़ा फालतू लेने के अंदर जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी पर कपड़ा रह जाएगा, जितना भी हमने मेजरमेंट तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग उस कपड़े को हम एक्स्ट्रा 3 गुना एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। अभी है प्लेन प्लीट्स होगी और कॉर्डेड प्लीट्स होगी। कॉर्डेड यानी कि या तो फिर डोरी डाल के बना लो या फिर एक होती है इनवर्टेड प्लीट्स। इनवर्टेड होती है, इनवर्टेड प्लीट्स होती है एक बॉक्स यानी कि जो बॉक्स प्लीट्स होती है बॉक्स प्लीट का उल्टी साइड होती है। ये इनवर्टेड होती है बॉक्स प्लीट की उल्टी साइड। ये एक इसका बॉक्स सा बन जाएगा, जो बॉक्स बनाएंगे ना हम उसका एक बॉक्स बन जाएगा इसका।
ये जैसे कि ये बॉक्स बन गया ना, ये एक इसका बॉक्स बनाकर ये इन्वर्टेड प्लेट्स बन जाएगी। अच्छा, बॉक्स स्प्लिट होती है एक बॉक्स की तरह नहीं, बॉक्स स्प्लिट होती है बॉक्स की तरह ही होती है। ये भी बॉक्स की तरह ही प्लेट्स को हम एक इसके अंदर ये बॉक्स बन जाता है, ये बॉक्स बन जाता है इसके अंदर, ये होती है बॉक्स प्लेट्स। ये प्लेट्स हम स्कल फ्लो, बच्चों जो स्कल फ्लो सलवार में की बेल्ट होती है ना, उसके अंदर डाल सकते हैं। बॉक्स प्लेट पॉकेट की डिजाइन के अकॉर्डिंग भी हम इसको डाल सकते हैं। जो बॉक्स प्लेट होती है ना, वो जो हमारी पॉकेट होती है उसके ऊपर भी पैच बनाकर हम उस पैकेट को पॉकेट को तैयार कर सकते हैं। इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट की उल्टी साइड होती है। बॉक्स प्लेट बन गई हमारी, बॉक्स प्लेट के बाद उसको उल्टी साइड ले लो, वो बॉक्स प्लेट हो जाती है, वो इन्वर्टेड प्लेट्स यानी कि उल्टी साइड हो जाती है। ये है हमारी डार्ट्स और प्लेट्स। आगे है टक्स। टक्स भी होती है हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग। टक्स क्यों डालते हैं, टक्स भी एक कई तरह की होती हैं, पिन टक्स, कॉर्डेड टक्स, ठीक है, और सीधी टक्स, कुरेह टक्स। ये टक्स भी हम लेडीज बच्चों के कपड़ों में, लेडीज के कपड़ों में इन टक्सों को हम डालते हैं। प्लेन टक्स होती है जैसे कि सीधी होगी ना, ये एक आधा इंच मतलब आधा में से आधा इंच की जो हमने सिलाई ली है ना, ये आ जाएगी ये प्लेन टक्स। ये है प्लेन टक्स। प्लेन टक्स ये सीधी साइड सिलाई लगती है प्लेन टक्स की, सीधी साइड टक्स की जो हम सिलाई लगाते हैं, ये डिजाइन के अकॉर्डिंग हम टक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टक्स है, प्लेन टक्स है ये, और आगे है कॉर्डेड टक्स। ये है कॉर्डेड टक्स। कॉर्डेड टक्स कौन सी होती है, कॉर्डेड टक्स होती है जो हम टक्स के अंदर डोरी डालते हैं, जो हम टक्स के अंदर डोरी डालते हैं वो होती है कॉर्डेड टक्स। ये है टक्स। आगे ना हमारी ये टक्स है, इसके अंदर हमने ये डोरी डाल दी, ये डोरी डालकर ये बारीक सिलाई इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ये है हमारी कॉर्डेड टक्स। क्योंकि डोरी क्यों डालते हैं, ताकि इससे हमारा डिजाइन भी बन जाए और अच्छी भी लगे और फिनिशिंग भी हो जाए। टक्स इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। आगे है ये टक्स है हमारी, कॉर्डेड टक्स है, कॉर्डेड बन गई, प्लेन बन गई। आगे है कुरेह टक्स। कुरेह टक्स भी जो हम कपड़ा लेते हैं मेजरमेंट से, हम 3 गुना कपड़ा लेना पड़ता है, हमने 1.5 गुना कपड़ा लेना पड़ता है। क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो हम टक्स वगैरह डालेंगे उसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा यूज होएगा, सिलाइयां लगेंगी, तो सिलाइयां लगने के बाद हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को, वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़ा हमारा कम पड़ जाएगा। कम पड़ने के कारण, तो फिर अगर मेजरमेंट कम पड़ जाएगा फिर वो टाइट हो जाएगा, तो इसके कारण हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है। कई बार हमारी चीज़ें बन जाती हैं, अब वो हो जाती हैं भी टाइट हो जाती हैं, टाइट होने के कारण फिर हमने ये टक्स वगैरह भी इसको हम खोल सकते हैं, खोलने के बाद वो हमारा लूजिंग हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, लूजिंग हो जाएगी, तो वो हमारा कपड़ा जो हम स्टिच कर रखा है तो वो हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। आगे ये कॉर्डेड टक्स आ गई, इसके अंदर डोरी डलेगी। कुरेह टक्स भी इसी की तरह ही होती है। कुरेह टक्स क्यों होगा, कुरेह टक्स भी डिजाइन के अकॉर्डिंग बनती है, यानी कि हमने इसके अंदर कुरेह निशान लगाने पड़ेंगे। ये है हमारी कुरेह टक्स। ये है कुरेह टक्स के बाद है, आगे है हमारा क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स भी हम डिजाइन के अनुसार ही डाल सकते हैं।
क्रॉस टक्स, यानी कि जो हमने प्लेन सिलाई लगाई थी वो क्रॉस कर दी हमने, ये बन गई क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स बन गई, ये भी हम डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इनको डाल सकते हैं। तो पिलो को और कुछ वगैरह बनाते हैं या बच्चों के योग वगैरह बनाते हैं, लेडीज के भी कमीज बनते हैं, उनके ऊपर भी हम डिजाइन के अकॉर्डिंग इन चीजों को हम डाल सकते हैं। ये है हमारी टक्स। टक्स के बाद जो हमने डिजाइन में और भी हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिले वगैरह बनती हैं, गैदरिंग बनती हैं, फ्रिले भी कई तरह से बनाई जाती हैं। फ्रिले क्यों कई तरह से बनाई जाती हैं? एक तो हम सीधी फ्रिले बना सकते हैं। सीधी फ्रिल कौन सी बनेगी? सीधी फ्रिल यानी कि हमने उसे तीन गुना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जो हमने फ्रिल बनाई है नीचे फ्रॉक के घेरे, नाइटी के, गाउन के, स्कर्ट के नीचे, हमें लंबाई बढ़ाने के लिए फ्रिल को हम यूज कर सकते हैं। कई बार हमारी जैसे कि फ्रॉक वगैरह का लगाते हैं नीचे फ्रिल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? लंबाई कम रहती है और डेकोरेट करने के लिए उस चीज को हम यूज करते हैं फ्रिल को। ठीक है बेटा, ये है फ्रिल। फ्रिल भी लग जाती है, ये कई तरह की ही फ्रिलें बढ़ती है, भी कैसे ही बना लो इनको अपने अनुसार। ठीक है, इसको 2 इंच की भी और 1.5 इंच की भी फ्रिल तैयार कर सकते हैं। ये नीचे या तो हम सिलाई लगा सकते हैं नीचे, या फिर हम पन्नी की साइड ले सकते हैं, जो हम फ्रिल बनाते हैं पन्नी की साइड ले सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम पीको कर सकते हैं फ्रिल के नीचे, क्योंकि वो उससे और भी हमारी पोशाक जो तैयार होती है वह उससे और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये है फ्रिल। अभी है गैदरिंग। गैदरिंग होती है, गैदरिंग जो हम मोटा बखिया लगा के, ये गैदरिंग बनती है। गैदरिंग जो हम मोटा बखिया लगा के धागे को खींचते हैं वो गैदरिंग ही डालते हैं। गैदरिंग क्यों डालते हैं? ये हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमने एक धागा इस साइड से खींच दिया बेटा, एक धागा इस साइड से खींच दिया, क्योंकि ये फिर हमारा सारा का सारा ये इकट्ठा एक इतना सा इकट्ठा हो जाएगा ये, क्योंकि ये हमारी सारी चीज है ना, ये तीन गुना जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जो हमने योग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है, तो उसी हिसाब से धागे के मतलब फ्रिले तैयार हो जाएगी। ये है हमारी गैदरिंग। गैदरिंग कैसे डालते हैं? मशीन से मोटा बखिया लगा कर या हाथ से भी मोटा बखिया लगा कर उस गैदरिंग को फ्रिल को हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ये गैदरिंग भी कई तरह से होती है, भी मोटा भी बखिया लगा लो उसके अंदर या फिर मशीन से भी लगा सकते हैं। अच्छा, आगे है जो हम फ्रिल भी कई तरह से तैयार होती है। कई तरह से कैसे होती है? एक तो ये हमने बना दी उल्टी साइड होगी, ये बन गई। इसको हम ऐसे बनाएंगे भी जितना भी हमने लेना है इस चीज की, हम इस चीज को उल्टी साइड कर देंगे। ये है मतलब बॉक्स सा बन जाएगा, जैसे कि हम बॉक्स प्लेट्स डालेंगे ना, बॉक्स प्लेट डालनी थी ऐसे हमने, तो उस चीज को हम उल्टी कर सकते हैं। ये बॉक्स प्लेट होगी, इसको हम पलट सकते हैं इस चीज को, ये है हमारी बॉक्स प्लेट्स। ये लो बेटा, बॉक्स के ऊपर भी हम डिजाइन डाल सकते हैं, पॉकेट्स के ऊपर भी हम पैच बना सकते हैं, टक्स डाल सकते हैं, और पैच बना के भी टक्स डाल के भी वो हम पॉकेट्स हम तैयार कर सकते हैं। पॉकेट्स भी कई कई तरह की होती हैं। सिंपल पॉकेट्स बेटा कौन सी होती है? सिंपल पॉकेट जो कुर्तों का शर्टों का लगती है, ये होती है सिंपल पॉकेट्स। ये 6 इंच की लंबी और 6 इंच की चौड़ी, ये पॉकेट्स हम तैयार कर सकते हैं। ये है हमारी सिंपल पॉकेट्स। कट पॉकेट्स पेंट निक्कर के हम कट पॉकेट्स लगाते हैं। कट पॉकेट्स भी जो पेंट और निकरों पे जो लगती है साइड वाली पॉकेट्स होती है, ये होती है कट पॉकेट। ये होती है कट पॉकेट 5-4 इंच की लंबी और 3 इंच की चौड़ी। ये कट पॉकेट्स पैंट और निकरों के ऊपर हम इस कट पॉकेट्स को लगा सकते हैं। टक्स पॉकेट होती है जो सिंपल पॉकेट्स होती है, सिंपल पॉकेट्स के ऊपर टक्स डाल के जो हम पैच बना के लगा सकते हैं वो होती है टक्स पॉकेट्स। टक्स यानी कि जो हम डिजाइन के अकॉर्डिंग डालते हैं, टक्स
डल के ना वो हम ये तरह का पैच बन जाता है। पैच बनने के बाद वो हम पॉकेट तैयार कर सकते हैं। इसमें जो हम टक्स बनाएंगे, टक्स डालेंगे, इसमें से हम 1.5 गुना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें जो हम टक्स डालेंगे उससे थोड़े से ये सिलाइयों के अंदर अटैच हो जाएगा, फिर हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार होगी। ये है हमारी टक्स पॉकेट, पैच पॉकेट। ये एक पैच बनाकर भी, सिंपल पॉकेट्स के ऊपर एक पैच बनाकर भी हम इसको पैच पॉकेट बना सकते हैं। पैच लग जाएगा इसके ऊपर, पैच लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। ये है हमारा पैच पॉकेट और फ्लैप, फ्लैप पॉकेट होती है कुर्तों के, शर्टों के, और जो कुर्ते लेडीज कुर्ते होते हैं उनको, जेंट्स कुर्ते होते हैं उनके ऊपर भी हम फ्लैप पॉकेट्स लगा सकते हैं। फ्लैप कौन सी होती है? सिंपल पॉकेट्स बना के, जो हमने सिंपल पॉकेट्स बना दी, पॉकेट्स यानी कि जेब होती है, सिंपल के ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन जो हम क्या करते हैं वो ढक्कन इसके ऊपर लग जाता है। वो ढक्कन त्रिकोणा भी लगा सकते हैं, चौरस भी लगा सकते हैं। ये है फ्लैप पॉकेट्स। इसको भी हम 6 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें हमारा सिलाई लग भी आता है और ऊपर जो हम फोल्ड करते हैं वो भी सिलाई अब इसके अंदर लग सकता है, इसलिए हमने इसका कपड़ा जो हम लेते हैं ये फालतू देना पड़ता है। ये है हमारी फ्लैप पॉकेट। रेडीमेड पॉकेट्स होती है जो हम बाजारों से बनी बनाई मिलती है बेटा, रेडीमेड। आगे है टिकट पॉकेट्स। टिकट होती है, टिकट एक टिकट जिसको चोर जेब भी बोलते हैं, वो पेंटो और निक्रो के पीछे लगती है, वो छोटी सी जेब होती है बिल्कुल एक टिकट पॉकेट्स, वो पेंटो और निक्रो पे लगती है क्योंकि उसको हम चोर जेब भी बोलते हैं। वो होती है टिकट पॉकेट्स। आती है कट पॉकेट्स, नहीं सॉरी कुर्ता पॉकेट्स। कुर्ता पॉकेट्स होती है हमारी, कुर्ता पॉकेट्स को कुर्ता पॉकेट होती है जो कमीजों पे लगती है, कमीजों पे जो जिसको हम साइड पॉकेट्स भी कहते हैं। ये है हमारी कुर्ता पॉकेट्स। कुर्ता पॉकेट्स साइड पॉकेट्स भी कहते हैं। ये इसकी एक, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 6 इंच और 6 इंच की ऊपर, 6 इंच के नीचे थैली बनती है, 6 इंच के नीचे अंदर कपड़ा लगता है और 6 इंच के ऊपर तिकुना बनता है। 18 इंच का लंबा कपड़ा इसमें हमने लेना पड़ता है। ये है हमारी कुर्ता पॉकेट। ठीक है, ये है बेटा ये पॉकेट, सारी पॉकेट्स अब आपको समझा दी है।